रणबीर कपूर। तो वही लड़की है ना जो हमें वार्ड में पार्टी की कहानी सुना रही थी। हाँ हाँ अंकल मैं वही लड़की हूँ, मेरा रणबीर कपूर आया था, उसने ऑटोग्राफ दिया फोटोग्राफ दिया और चला गया, और फिर नर्स आई उसने आप दोनों को भगा दिया, तो भाग जाओ रणबीर कपूर चला गया, जाओ जाओ। हमारा भी यहाँ दिमाग खराब हो गया है, हम भी यहाँ से भागने की सोच रहे हैं। अच्छा पहले तुम दोनों एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रही हो? सॉरी वो एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं देता ना, तो इसीलिए आंखों के चेकअप के लिए आई थी, और इसे भी साथ ले आई, इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दिमाग थोड़ा चल नहीं रहा है, पर पैर तो चल रहे हैं, सो आई एम श्योर ये मुझे घर तक ड्रॉप कर देगी, है ना सिमी? इन दोनों की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ठीक है इंक्वायरी करते हैं, कुछ पता चलेगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। यस सर। आप दोनों हमारे साथ चलिए। क्यों? रुक जाइए, देखिए मैं, देखिए आप इन दोनों को ऐसे लेके नहीं जा सकते, ये दोनों मेरे पेशेंट्स हैं। दोनों? हाँ दोनों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों को सर पे लगी, एक की आंखें चली गई और एक का दिमाग। अच्छा क्या आप इनके डॉक्टर हैं? जी। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस चीज के डॉक्टर हैं आप? जी वो हेड स्पेशलिस्ट, सर के डॉक्टर। ओके चलो चलो तुम दोनों को शॉक देने का टाइम आ गया, शॉक ट्रीटमेंट का टाइम है, चलिए चलो। अरे चलो 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 जल्दी चलो, और डॉक्टर साहब अगर आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया हो तो इस पेशेंट को भी आपकी जरूरत है, चलो आगे आगे जाओ। ये बी साइलेंट इतनी साइलेंट क्यों है? मर गई क्या? कुछ हिलडी डुली नहीं है। पिशाची नहीं है, इतनी आसानी से थोड़ी ना मरेगी। पर इतनी देर तक साइलेंट कैसे रह सकती है? ये इतने लंबे टाइम तक बेहोश नहीं हो सकती, पिशाचनी है ये। मैं काम करती हूँ, मैं चेक करती हूँ। संभाल के दी, जिंदा है कि मर गई? लगता है होश में अभी। एक मिनट दिव्या, इधर माला बांध देते हैं, ये से बाहर नहीं आने देगी। तुम लोग बहुत ज्यादा मजाक करते हो, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि घर वालों को बताएंगे क्या, बोलेंगे क्या? सच बोलेंगे, यही बोलेंगे कि पिशाचनी को हमने पकड़ लिया है। हाँ, और ये भी बताएंगे जो नर के द्वार से खतरनाक जानवर था वो और कोई नहीं लवण्या थी छिपकली के रूप में, जो कि मर चुकी है। हाँ, दीनू से मार दिया। Shut up. रक्षित, आपकी दूसरी बीवी तो गई बॉस, वो तो मरी गई। Oh. Yes, bro. अब सिर्फ तेरी एक ही लौती बीवी है, मिसेस शेरकिल। One and only, my bee. अच्छा कल हमने महापूजा रखी है। हाँ, और ब्राह्मण भोज भी। उस पूजा के बाद पिशाचनी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। तो ये सारे मेरे विनाश की तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं कर सकेंगे, पिशाचनी हूँ, पिशाचनी कभी नहीं मरती। एक मिनट, तुम लोग का कहना है कि वो प्रीतो वो जो भी थी वो कुछ वो साइलेंट होकर वायलेंट हो जाती है, वो उसका क्या नाम, क्या? पिशाचनी। हाँ वही तो, मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे कमरे में है। ओ माय गॉड, वो तो बहुत खतरनाक है, फिर से हम सबके सर पे मन जाएगी, वो तूफान है, तूफान। नहीं नहीं चाची, तूफान अब शांत है, हमने उसे बैग के अंदर बांध दिया रुद्राक्ष की मालाओं के साथ, वो कोशिश तो बहुत कर रही है बाहर निकलने की पर निकल नहीं पाएगी। आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, काम ना। और लावण्या? लावण्या मर गई। मर चुकी है? जी हाँ मम, लावण्या कोई आम छिपकली नहीं थी, वो नर्क से आया हुआ जानवर थी। क्या? वो नर्क से आई थी? You mean hell? हाँ, और वो जहरीली छिपकली भी थी। हाँ, कल रात को जो कुछ पिया था वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। Exactly. उसने तो सबको डस लिया था और मार ही दिया था, थैंक गॉड हम सब बच गए, और अब हमने पिशाचिनी को पकड़ लिया है, इसी के लिए हमने एक बड़े पंडित जी को भी बुलाया है जो की एक महापूजा करवाएंगे, उस पूजा के बाद पिशाचिनी का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा और हमारा उससे हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाएगा। हाँ, इसीलिए मैंने और दिव्य ने पूजा की तैयारियां भी की हैं। हम पहले आरती से शुरू करेंगे। मैं खोल के आती हूँ। हाँ चाचा। आप लोग सब लोग चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। लेकिन पिशाचनी अब फिर कोई नया तांडव तो नहीं करेगी ना? इस पूजा के बाद उसे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, हमारी लाइफ अब डेंजर से बाहर होगी ना। बड़ी माँ, चाची जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, पंडित जी आ रहे हैं ना। नमस्ते पंडित जी, आइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते।
लोग आइए, मैं आरती रेडी कर देती हूँ। तुम्हें पक्का यकीन है कि? चाची जी पक्का प्रॉमिस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी आ रहे हैं अभी। जी मैम। दृष्टि बेटा, तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया। मेरे पति को मौत के मुंह से बाहर लाई। पता नहीं इस घर में कितनी मौतें टाली है तुमने, लेकिन आज तक मैं तुम्हें ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाई। थैंक यू वेरी मच बेटा। मैम प्लीज, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? क्यों ना बोलूं? सबको बचाते बचाते तुमने अपनी आंखें खो दी थी, फिर भी तुम सबको बचाती रही। और मैंने मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, मैं तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं पाई। तुम कितनी अच्छी हो, इरादे की कितनी पक्की हो, कितनी स्ट्रांग हो तुम। तो मैम, तुम कभी गलत नहीं हो सकती। आपको मुझ पर विश्वास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और मुझे देखो, इतनी अच्छी बहू छोड़कर मैंने अपने बेटे की शादी किसी और से करवा दी, वो भी ऐसी लड़की से जो। मैम रहने दीजिए प्लीज, अब भूल जाते हैं उस बात को, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी। हाँ बड़ी मम, इतनी अच्छी बहू तो आपको लाइट लेके ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली, जो पिशाचनियों के साथ साथ छिपकलियों को भी मार देती है। आई मीन आखिर दी किसकी है, ये तो पेस्ट कंट्रोल से भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है। आई मीन पिशाचनियों और बाकी जानवरों के लिए। तभी चुप कर, कुछ भी बकवास कर दी जा रही है। सही तो बोल रही है। और मेरे लिए एक और काम करोगी? कौस मैम बोलिए ना। बस यही यही नहीं चाहती मैं कि तुम मुझे मैम बुलाओ। आज से तुम मुझे मैम नहीं, सिर्फ मॉम बुलाओगी। ओके। प्रणाम। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, चलो आरती शुरू करते हैं। जी नहीं नहीं घबराइए मत, ये आरती संपन्न होने के बाद पिशाचनी का अंत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। जी। कहाँ है वो? पंडित जी उसे हमने ऊपर बैग में बांधा हुआ है। कोई बात नहीं, आज सारे बंधन टूट जाएंगे, पिशाचनी टूट जाएगी और आज की आरती संपन्न होते ही उसका खेल भी खत्म हो जाएगा। मैं एक और रुद्राक्ष की माला बांध देता हूँ। हाँ जल्दी ला। इसको कसके कसके बांध दिया, ये हिल भी नहीं सकेगी। अब पूजा संपन्न हो गई है, अब घर का कोई सदस्य भगवान के नाम को लेकर इस आरती को चारों दिशाओं में घुमाए और इस पवित्र गुलाल को घर में हर जगह पर छिड़का दे। ये पवित्र काम मेरी बड़ी बहू दृष्टि करेगी। आओ बेटा। अ
अब चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत जल्द ही खतरे के सारे बादल छिट जाएंगे, सारा अंधेरा छिट जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जी जीती रहो। अब हमें आगे ये करना चाहिए ने एकदम सही कहा। देखना बहुत जल्द पिशाची का चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, वो हमारी जिंदगी से ही चली जाएगी। फिर हम अपना लाइफ रीस्टार्ट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और तब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी।